मुजफ्फरपुर महानगर में तेजी के साथ बढ़ते ई रिक्शा के चलन को देखते हुए परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा यातायात तिराहे पर अभियान चलाकर नाबालिग ई रिक्शा चालकों व यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। एक एक जो है ई रिक्शा चालक का चेक कर रहे, सीधी तस्वीरों पर नजर आते हैं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव बिंद ने कहा, इस तरीके का भी यहाँ पर चलाया जा रही है। ये देखिए, आज परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी सूचना आ रही थी कि ई रिक्शा कुछ नाबालिग बच्चों द्वारा चलाया जा रहा है या बिना डीएल के चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज परिवहन विभाग के साथ मिलकर यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया है। यहाँ देखिए, हमारी परिवहन विभाग की टीम मौजूद है और जो लोग बिना डीएल के ई रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने लोगों के खिलाफ? अब तक लगभग 50 ई रिक्शा जो है कि बिना वाहन चालक जो बिना डीएल के पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है कि यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। आगे कार्रवाई चलती रहेगी? निश्चित रूप से कार्रवाई लगातार आगे भी चलती रहेगी। और ये लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि बिना डीएल के कोई भी वाहन ना चलाएं, ई रिक्शा ही नहीं, कोई भी वाहन बिना डीएल के ना चलाएं। ये ऐसे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ चल रहा है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या अथवा माइनर है। खास तौर से ऐसे मोटर मालिक जिनके पास तीन तीन चार चार ई रिक्शा हैं और वो बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे रोड पे ले आ रहे हैं, एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, सही से संचालन नहीं होता है, तो उसी पे लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। जिसमें कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के या फिर माइनर चला रहा है, 18 साल से कम उम्र का चला रहा है, तो इसके लिए उनकी गाड़ी बंद करी जाए। जुर्माना अगर नाबालिग चलाता है? नाबालिग चलाएगा तो 25,000 रुपये जुर्माना है। और अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब एडल्ट चलाएगा तो 5,000 रुपये। ई रिक्शा के लिए अलग से कोई लाइसेंस है कि जो फोर व्हीलर का जो है? नहीं, ई रिक्शा के लिए पहले लाइसेंस था, अभी भी बनता है, लेकिन फोर व्हीलर का जो लाइसेंस है वो वैलिड है ई रिक्शा पे। नाम पता बता दो। मैं पैसेंजर टैक्स ऑफिसर, RTO डिपार्टमेंट, गोरखपुर।